विधायक पुत्र और डॉक्टर के बीच तीखी नोकझोंक संभल के जिला अस्पताल में युवा नेता सुहेल इकबाल और डॉक्टर चमन प्रकाश के बीच हुआ नोकझोंक। विधायक पुत्र सुहेल इकबाल की घायल का उपचार नहीं करने पर हुई नोकझोंक। सुहेल इकबाल और घायलों के मुताबिक दो दिन से घायल को नहीं मिल रहा है जिला अस्पताल में उपचार। पीड़ितों का रो रो कर बुरा हाल। पीड़ितों का भी जिला अस्पताल पर आरोप नहीं मिला उपचार। बीते दिन पहले संभल के अहमदपुर गांव के दो पक्षों में हुआ था विवाद। सुहेल इकबाल द्वारा घायल के बारे में जानकारी करने पर भड़के डॉक्टर चमन प्रकाश। काफी देर तक हुई दोनों के बीच तगड़ी नोकझोंक। पहले भी विवादों में आ चुके हैं डॉक्टर चमन प्रकाश। सुहेल इकबाल ने लगाए डॉक्टर चमन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। डॉक्टर चमन प्रकाश ने भी सुहेल इकबाल पर हिंदू मुस्लिम करने के लगाए आरोप। डॉक्टर चमन प्रकाश के मुताबिक कोरोना की जांच को लेकर हुई नोकझोंक। संभल के जिला अस्पताल का मामला जो, क्या नाम है तुम्हारा? हसन। कहाँ के रहने वाले हो? ये जो रो रहे थे, क्या मामला? सर कोई देखभाल नहीं है, कल से ले गए हमने हॉस्पिटल में आने के, तो बोले साहब ना तो कोई जांच करी इनकी, ना कोई एक्सरे करा, दिमाग पे चोट है, तो अब लेकर आए तो बोले अब जांच कराओ कोरोना की पहले। फिर उसके बाद अभी तो रेफर नहीं करे, कल से ले गए ना कोई एडमिट करा ना कोई रेफर के लिए, कल मरीज घर भेज दिए गोली लेकर। कितने टाइम हो गया यहाँ? तो कई घंटे हो गए अभी। कहाँ कहाँ चोटे हैं मरीजों के जी? कहाँ कहाँ चोटे हैं? चोट दिमाग पे है। क्या मामला है? देखिए, हैबतपुर के कुछ लोगों का कल झगड़ा हुआ था और मेडिकल कराने के लिए उनके परिजन लोग यहाँ आए थे। मेडिकल कराया गया, उसके बाद जो यहाँ पे कर्मचारी थे और जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनको बगैर इलाज करे बगैर कुछ करे और फर्जी तरीके से भेज दिया घर, और ना यहाँ पे इन्होंने एडमिट करा ना कुछ करा। जिसकी शिकायत उन्होंने हमसे करी, सुबह यहाँ पे आए डॉक्टर्स वगैरह ने उनसे कुछ पैसे की डिमांड करी कि तुम्हें हम पैसे चाहिए, क्योंकि और लोगों से भी वो मुस्तकिल ले रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने रेफ़र करने के लिए जब स्लिप बनाई तो रेफ़र स्लिप इन्हें दे नहीं रहे थे, कह रहे थे कुछ ना कुछ हमें होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जब नहीं रिफ्यूज़ करा इस चीज़ को, क्योंकि यह तकलीफ में थे, परेशान थे और अपना त्यौहार छोड़ के आए थे, कल से परेशान हैं ये लोग, तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर हमें फ़ोन करा। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने बात करी कि हम आते हैं, चलो ठीक देखते हैं क्या मामला है। तो डॉक्टर साहब मुझे देख के भड़क गए, उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ किस तरह से खबर फैल चुकी है, तो उन्होंने आनंद फानंद में अपने अधिकारियों से यहाँ पर उन लोगों को अंदर बंद करवा दिया। हमने आकर उनसे कहा क्या मामला है, तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों का कोरोना टेस्ट होना है। मैंने कहा क्यों भाई, क्या मामला है? बोले सर कोरोना टेस्ट होगा। मैंने कहा आप उनसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? प्यार से बात करिए उनसे, जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं आप? क्यों रहे हैं? तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत मतलब इस तरह से लिया कि जैसे इनके ऊपर कोई है ना आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इन्होंने जानबूझकर पैसे लेने के लालच में इनको यहाँ रोक के रखा घंटों तक, और उन लोगों को परेशान होकर यहाँ बुलाया है, तो मैंने यहाँ आकर उनसे बात करी। क्या अस्पताल में भ्रष्टाचार चल रहा है? देखिए, पहले दिन से ही ये डॉक्टर डॉक्टर चमन प्रकाश हैं, इनका नाम जो है सुर्खियों में है, क्योंकि इन सबसे ज़्यादा इन्होंने मरीजों को पैसे लेकर होम क्वारंटीन करा है। जिस वक्त गाइडलाइन आई हुई थी उस वक्त से ही इन्होंने जानबूझकर उन सारी डीलिंग को करा है, जिससे संभल के इस अस्पताल की छवि बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। लोगों का विश्वास डॉक्टरों पर तो उठा है। अभी ये मरीजों के साथ जो मामला हुआ था, क्या मामला था पूरा? नहीं, अभी एक मरीज आया था जिसका नाम सही है, तो उसको मरीज को देखना है, आने के बाद वो कहने लगे कि इसको जो उल्टियाँ आ रही है, कल इसका मेडिकल लेकर हो चुका था, उल्टी थी, दर्द था, मैंने उसको इंजेक्शन लगा दिए, और इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की हालत को देखते हुए मैंने रेफरल के लिए कहते रेफरल का कागज बना दिया कि भाई आप जो कार्य का इंतजाम करिए। जो लोग, क्योंकि ये आदमी था बुरा रहा, जब हम भेजते हैं तो वहाँ जो है ये देखते हैं कि इसकी कोरोना की जांच हुई है नहीं है,
हमने उसकी कोरोना की जांच करने के लिए कहा और साथ में जो जाने वाले थे उनके लिए कहा कि आप अपनी जांच करा लें। इस बात को इशू बनाकर जो साथ में कुछ प्रधान आए थे उन्होंने इस बात को इशू बनाया कि आप लोग मुसलमानों को परेशान करने के उद्देश्य से जो है ये सारे काम करा लें जिससे हमारा त्यौहार खराब हो जाए। इस दौरान उन्होंने जो सुहेल इकबाल जी आए और आकर मेरे ऊपर ये आरोप लगाने लगे कि मैं मुसलमानों को परेशान कर रहा हूँ इसलिए जो इनको जो तुम्हारा मैं जो तुम्हारा इनके ये टेस्ट कराओ। मैंने कहा भी कि भाई इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं और अगर आप मुसलमानों को परेशान करने की वाली बात कहोगे तो कहते हैं मुस्लिम की परेशानी के लिए पैदा हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप इस तरह का आक्षेप ना लगाएं। लेकिन मरीज के परिजनों का आरोप है कि कल उनका मेडिकल होने के बाद उन्हें इलाज नहीं मिला और ना ही उन्हें शिफ्ट कराया गया बाढ़ में हॉस्पिटल के अंदर। कल इनका जो डॉक्टरी परीक्षण हुआ था वो डॉक्टर प्रभाकर बंधु के द्वारा किया गया था। उस समय की क्या सिचुएशन थी इसके बारे में मैं नहीं बता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।